नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी। कोरोना की दहशत आज पूरे विश्व में है और देश में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में इस बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा दहशत है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू वायरस है। यहां तक कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से ये वायरस अपना रंग बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है बार बार, किस तरह से इसके कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। और एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो हाल के दिनों में सामने आ रहा है और जो देखा जा रहा है कि कोरोना से लोग ठीक होकर घर लौट रहे हैं और सडनली वो कोलैप्स्ड हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। और डेथ का रीजन क्या है? उनको स्ट्रोक हो रहा है, उनको हार्ट अटैक हो रहा है, उनकी किडनी फेलियर हो रही है। और पिछले कुछ समय में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? और अगर आप कोरोना से ठीक हो जाए उसके बाद आपको जरूरी है कि आप कौन कौन से टेस्ट करवाएं जिससे पता चल सके कि जो पैरामीटर्स हैं आपके बॉडी के वो ठीक हैं। क्योंकि कोरोना ठीक होकर भी जो बाद में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ न्यूज नशा में स्पेशली हमने बात करी है डॉक्टर एम वल्ली से, जो गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर इंटरनल मेडिसिन है। डॉक्टर वल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर यही है कि जो केसेस सामने आ रहे हैं कि पता चल रहा है कि कोरोना से ठीक हो गए, 10 दिन हो गए हैं, फीवर नहीं है आपका, लंग्स आप सांस ठीक लग चल रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, और सडनली पता चलता है कि आप कोलैप्स्ड हो गए, आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया, आपकी किडनी फेल्योर हो गई, आपको स्ट्रोक हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? कोरोना वायरस की शरारतें अब हम देखें तो दिल को, दिमाग को, किडनी को, ब्लड वेसल्स को ये परेशान करने लगा है। लंग्स को तो इसने बहुत किया है। कुछ लोगों को कोरोना के बाद जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो इस बात की अलामत है कि कोरोना वायरस ने थ्रोम्बोटिक वाला साइकिल अपना एक्टिवेट कर लिया है। असल में कोरोना वायरस दोनों काम कर सकता है, ब्लीडिंग भी कर सकता है और क्लॉट भी जमा सकता है। इसको हम एंटी थ्रोम्बोटिक और प्रो थ्रोम्बोटिक क्वालिटीज़ कहते हैं और ये इसमें दोनों इसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसलिए जहाँ कहीं फिब्रिन के क्लॉट्स बनते हैं, जो फिब्रिन होता है वो हमारे ब्लड में फ्री फ्लोइंग फिब्रिनोजेन के रूप में होता है और उसको ये फिब्रिन में कन्वर्ट करके एक जाल सा बना देता है और उस जाल में ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स सब फंस जाती हैं और उससे एक थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। वो क्लॉट कहीं भी बन के ब्रेन में जा सकता है क्योंकि ब्रेन की आर्टरीज जो हैं वो एंड आर्टरीज होती हैं। ब्रेन की आर्टरीज क्योंकि एंड आर्टरीज होती हैं इसलिए उसमें जहाँ भी वो क्लॉट इकट्ठा हो जाता है जाके या जम जाता है या रुक जाता है तो उसके आगे खून का दौरान बंद हो जाता है। इसको हम स्ट्रोक कहते हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं। और ये स्ट्रोक जो है बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें आधी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। अगर ये और आगे चला गया आँखों की आर्टरीज में तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये बहुत ख़तरनाक इसका कॉम्प्लिकेशन है और ब्रेन की आर्टरीज से क्लॉट आगे नहीं मूव कर सकता क्योंकि उनका रास्ता पतला होता जाता है। तो इसलिए कोरोना के बाद स्ट्रोक होते हैं, हार्ट अटैक भी होते हैं, किडनी डैमेज भी होती है और ख़ास तौर से स्ट्रोक होता है। तो जैसा कि डॉक्टर वल्ली ने बताया कि जो कोरोना वायरस है दोनों ही तरह से बॉडी को डैमेज करता है, ये ब्लीड भी कर सकता है और ये थक्का भी बना सकता है, ये जमा भी सकता है खून को। और जब ऐसी स्थिति होती है तो थ्रोम्बोसिस जो होता है, जो टिश्यू में जो ब्लड होता है वो जम जाता है, ब्लीड होता है, जिसके कारण तमाम तरह की परेशानियां आती है। और खास तौर पर स्ट्रोक के बारे में ज्यादा बोला है डॉक्टर वल्ली ने कि स्ट्रोक होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है क्योंकि हमारी लास्ट जो एंड है वो दिमाग है और दिमाग की जो नलियां होती हैं जहां से जाता है ब्लड वो बहुत पतली होती है, बहुत महीन होती है और जरा सा भी उसमें अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो तुरंत स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक इसी कारण हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट इसी कारण हो रहा है। डॉक्टर वल्ली, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई जो हम लोग रिकवर हो रहे हैं कोरोना से इलाज के बाद घर लौट रहे हैं तो कौन से ऐसे हम टेस्ट करवाएं बाद में ठीक होने के बाद जिससे हमें पता चल सके कि हमारे जो शरीर में जो है क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो रही है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कोरोना वायरस और बहुत सी बीमारियों में जब कोई टिश्यू डैमेज होता है, वैस्कुलर डैमेज होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टिश्यूज और ब्लड के अंदर विकार पैदा हो जाता है तो उसको हम नाप सकते हैं। ब्लड में कई टेस्ट किए जाते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन का पता लगता है और वैस्कुलर डैमेज का पता लगता है।
अब जो नई रिसर्च आई है कोरोना की, उसमें ये माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है ब्लड वेसल्स की बीमारी है, लंग्स की बीमारी नहीं है। तो ये साफ हुई है अभी बात, पिछले हफ्ते ही अमेरिका की एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस वेस्कुलाइटिस है। जब लंग के अंदर क्लॉट्स जाते हैं या लंग के अंदर डैमेज होता है, लंग टिश्यू बर्बाद होता है, तो वो ब्लड में रिफ्लेक्ट करता है। और वो ब्लड में इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि ब्लड में जो मानक है जिसको हम डी डाइमर कहते हैं वो बढ़ जाता है। इसका मतलब लंग के ऊपर वैस्कुलर हमला हुआ या किसी भी ऑर्गन में वैस्कुलर हमला हुआ, जैसे किडनी है, ब्रेन है, ख़ास तौर से लंग के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं और उसको हम क्वांटिफाई भी करते हैं। और जैसे जैसे रिकवरी होती है ये वैल्यूज़ डी डाइमर की कम होती जाती हैं। तो डी डाइमर एक ऐसा टेस्ट है जो लंग के होने वाले डैमेज को बताता है और लंग के अंदर होने वाले कोरोना के आघात को प्रमाणित करता है। इसलिए डी डाइमर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम फेरिटिन, इसके अलावा हम CRP, और इसके अलावा हम फेरिटिन के साथ साथ CRP के साथ साथ डी डाइमर भी करते हैं। तो ये सब टेस्ट आर कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो जैसा कि डॉक्टर वली ने बताया कि डाइमर टेस्ट है, कई और ब्लड टेस्ट हैं जिनके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि ब्लड में जो एक तरह का प्रोटीन होता है वो जम तो नहीं रहा है, उसमें क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। तो इन टेस्ट के जरिए आपको पता चल जाता है कि जो आपकी स्टेटस है कोरोना के बाद ठीक होने की, वो आप ठीक है। लेकिन डॉक्टर बार बार आपको सलाह दे रहे हैं कि आप कोरोना से ठीक हो गए हैं तो आप बेफिक्र बिल्कुल मत होइए, क्योंकि बहुत से अब तो ऐसे केसेस आ रहे हैं कि पता चल रहा है कि दोबारा कोरोना हो गया। और कोरोना से ठीक होने के बाद भी लंग्स में जो कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं, जो पैचेस रह जाते हैं, वो बहुत दिनों बाद जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना से ठीक हो गए लेकिन फिर भी आपको चलते हुए थोड़ी बहुत सांस आपकी, हाँ आप हाँफते हैं, थोड़ी बहुत खांसी आपकी बनी रहती है, थोड़ा बलगम आता रहता है, आपको थकावट रहती है। तो ये सब लक्षण है कि कोरोना अभी ठीक हुआ है लेकिन जो उसके पीछे के जो इफेक्ट्स हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो अभी बॉडी में मौजूद हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, कई बार हम अपनी रिपोर्ट करवाते हैं और 10 या 14 दिन बाद रिपोर्ट करवाते हैं, पता चलता है कि हम पॉजिटिव हैं। हम दोबारा रिपोर्ट करवाते हैं 14 दिन बाद, फिर हमें पता चलता है कि पॉजिटिव है। तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल सीधा कहा है कि जो वायरल लोड है, जो पैमाना दिया है ICMR ने 35 का दिया है, अगर आपका जो वायरल लोड है वो 35 है तो आपको कोरोना नेगेटिव घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कोरोना ठीक होने के बाद भी वायरस कई बार बॉडी में रह जाते हैं, मरे हुए वायरस रह जाते हैं, उसके थोड़े से अंश रह जाते हैं, और ऐसे में जो टेस्ट आते हैं बार बार वो पॉजिटिव आते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जो वायरल लोड है वो 35 है, आपको बुखार नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तो आप कोरोना से ठीक हो गए हैं। और आप उसके बाद जो प्रिकॉशन लेनी है वो प्रिकॉशन आप लगातार लें। तो दोस्तों न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको तमाम मुद्दों की जानकारी दी जाए। आजकल हमारी कोशिश आपको कोरोना के बारे में नई नई जानकारी दी जाए। तो दोस्तों आप बने रहिएगा न्यूज नशा के साथ, देखते रहिएगा हमारा ये प्रोग्राम, क्योंकि न्यूज नशा के जरिए आपको मिलती है हर नई खबर कोरोना के बारे में। तो बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।